बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ। और ये हैं जी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। और आज ही मैंने करनी थी मील प्रेपिंग, क्योंकि मैं जा रही थी जी शाम को अम्मी की तरफ। ये चीज़ें जी मियाँ के दोस्त देके गए हैं, क्योंकि अभी वो उमरा करके आए हैं। तो ये आबी जमजम खजूर है और पानी था। और खाने में जी जो दो तीन चीज़ें मैंने आज बनानी हैं, ताकि मेरे जाने के बाद जी बच्चों और मियाँ को परेशानी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी मटन कोरमा, जिसके लिए जी मैंने ये ऑयल लिया है। इसके अंदर 1 स्पून जी मैंने डाला है ज़ीरा। और ऑयल कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। ये जी कड़कड़ाने के बाद अब मैंने वाश किया हुआ मटन 1 kg में डाला है। और इसका मैंने कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई की, यानी कि 3 to 4 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब मैंने 1 स्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। 2 मीडियम साइज़ के आनियन कट करके डाले हैं। 1 स्पून जी सॉल्ट डाला, 1 स्पून टर्मरिक डाली, और 1 स्पून ही जी मैंने डाली रेड चिली पाउडर डाला। डालने के बाद जी फिर एक जग मैंने ये पानी का डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फुल फ्लेम करके ऊपर से कर दिया है कवर अप। इधर जी मैंने ये मेरे पास हैं चिकन के कोफ्ते, और इधर जी अब ये इसमें उबाल आया तो मैंने इसकी जो फ्लेम थी मटन की वो मैंने लो कर दी है। और इधर जी जो ये कोफ्ते थे चिकन के, इसको मैंने 2-3 स्पून जी कुकिंग ऑयल की डाल के इसको इनको शैलो फ्राई किया। अब जी ये मैं मिक्स वेजिटेबल्स कोफ्ते जो है वो बनाने जा रही हूँ। और उसी ऑयल के अंदर जी मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला, और ये 2 स्मॉल साइज़ की ऑनियन मैंने कट करके उसमें शामिल कर दिए हैं। इधर जी हमारा मटन जब थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ, तो इसमें मैंने 2 स्मॉल साइज़ के जो टमाटो थे वो कट करके डाल दिए हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से मैं इसको लो फ्लेम करके इसको ऊपर से कवर अप कर दूंगी, यानी कि इसको दम लगा दूंगी। इधर जी के जो हमारे ऑनियन थे आप देख सकते हैं, जब ये लाइट से सॉफ्ट हुए तो जी मैंने इसमें डाल दिया 1 स्पून जी लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। और 1 से 2 मिनट जी मैंने इसको कुक करना है, यानी कि इसकी जो स्मेल होती है वो जी हमने उसको जो है ख़त्म करना है। और उसके बाद जी फिर मैंने 2 स्मॉल साइज़ के जो टमाटो थे वो कट किए हुए इसमें शामिल किए। और शामिल करने के बाद जी अब इसमें जाने हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें डाली है 1 स्पून टर्मरिक डाली है, और 1 स्पून ही जी मैंने इसमें डाला है ये चिली फ्लेक्स डाली है, और 1 स्पून ही जी मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। ये जी तीनों चीज़ें डालने के बाद इसमें इसको अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जी फिर इसको जी मैंने पानी का छींटा देके ऊपर से कवर अप कर दिया था। अब ये आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला था वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जी इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैरेट डाली है, और बस जी कैरेट को जो डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसकी लो फ्लेम करके मैंने इसको भी जो है ऊपर से कवर अप कर दिया। इधर जी जो हमारा मटन था ये आप देख सकते हैं, इसका पानी वानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। और मटन जो है हमारा, बस अब ये इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो मैंने इसमें ये 1/2 बाउल जी दूध का डाला है, जो कि क्रीमी दूध था, और इससे जी मटन के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये जी आप देख सकते हैं अब हमारी जो ये कैरेट थी ये लाइट सी सॉफ्ट हुई है, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। फ्लेम फुल कर लें ताकि जो आपकी वेजिटेबल्स हैं ये जी पानी ना छोड़ें। तो बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इधर जो हमारा जो मटन था वो जी आप देख सकते हैं अब अच्छे से जी गल चुका है। और अब जी मैंने इसमें डालना है पानी जितना मुझे चाहिए इसमें कोरमा। तो 1.5 ग्लास ही मैंने इसमें डाला है पानी का, डाल के इसकी फुल फ्लेम करके इसको मैंने ऊपर से किया कवर अप। और जब इसमें उबाल आया तो मैंने इसकी फ्लेम कर दी थी लो। इधर जी हमारी जो वेजिटेबल्स थी ये भी लाइट सी जब सॉफ्ट हुई, तो ये जी मैंने इसमें चिकन के कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर दिए थे। इनको जी मैंने अच्छे से मिक्स किया, 1 से 2 मिनट जी मैंने इनको कुक किया। और अगर आपके बच्चे जी वेजिटेबल्स नहीं खाते तो जी आप इस तरह से उनमें कोफ्ते या चिकन वगैरह डाल दिया करें, तो बच्चे खुशी से खाएंगे। और अब जब मैंने देखा कि अब मैं वेजिटेबल्स के अंदर पानी वानी नहीं बनने वाला, फिर मैंने 2 से 3 मिनट का इसको दम दिया, यानी कि लो फ्लेम करके इसको दम लगाया। अब ये जी हमारे जो मिक्स वेजिटेबल्स कोफ्ते थे ये भी रेडी हैं, और इधर जी जो हमारा मटन था वो भी ऑलमोस्ट अब रेडी है। बस मैंने ये जी लास्ट में इसमें डाले 3 मसाले, यानी कि 1 स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1 स्पून गर्म मसाला पाउडर डाला है, और 1 स्पून जी मैंने इसमें मटन मसाला डाला।
बस इसको मैंने 2 से 3 मिनट का, अब फिर इसको मैंने लगाया दम ताकि जो जो मसाले हैं इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो सके। तो अब ये जी इसमें प्यारी सी जब खुशबू नहीं स्टार्ट हो जाए तो बस 2 से 3 साबुत ग्रीन चिलीज डाली और इसकी फ्लेम कर दी है आप। तो जब दोनों चीज़ें हमारी थी रेडी, और इधर जी मेरे मियाँ अब ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ जी आए थे मार्केट से, बस फिर मैंने जल्दी जल्दी ये वेजिटेबल्स जो है ना वो समेटनी स्टार्ट की। जो आलू प्याज था वो जी मैंने आलू प्याज की बास्केट में डाला, और बाकी की दो जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने ये इस तरह की बास्केट में डाल के इनको रखा फ्रिज में। अच्छा जी, मेरे मियाँ की फरमाइश थी कि जो बेकर हैं उनका बर्था जी आज ही बनाती जाओ, क्योंकि ये जी फ्रेश ही जो है ना वो खाने में अच्छे लगते हैं। लेकिन अब जी मेरा काम जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, खैर मैंने ये जल्दी जल्दी से वेजिटेबल्स जो हैं वो बास्केट वगैरह में डाल के इनको रखा फ्रिज में। उसके बाद जो बैगन का भरता था ना उसकी मैंने तैयारी पकड़ी। अच्छा, जो बैगन है ना ये जी मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं आते थे, ये अभी कुछ टाइम हुआ है 1-2 दफ़ा जी, क्योंकि मुझे बैगन बहुत पसंद थे तो मैंने लाए और ख़ुद जाके मार्केट से ला के तो मैंने इनका भरता बनाया। तो वो थोड़ा सा मैंने मियाँ को टेस्ट करवाया, मियाँ को अच्छा लगा, तब से जी फिर मेरे मियाँ ने जो है वो बैगन लाने स्टार्ट किए। लेकिन अब भी जी हमारे बच्चे नहीं खाते, हम दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। हाँ, बच्चे अगर मैं कोफ्ते बनाऊँ बैगन के, वो मैंने बनाए हैं 2-4 दफ़ा, तो वो जी खुशी खुशी खा लेते हैं, और वो जी मैं फिर इस तरह से उनको खिलाती हूँ कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये, क्योंकि बैगन अगर उन्होंने कभी खाए हों तो उनको पता हो कि बैगन का टेस्ट कैसा होता है। बहरहाल उनको हर बैगन के टेस्ट का नहीं पता, जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ ना तो फिर मैं उनको ये नहीं बताती कि मैंने ये किस चीज़ के कोफ्ते बनाए हैं, तो बस फिर वो आराम से खा लेते हैं। लेकिन क्योंकि कोफ्ते वोफ्ते जो है ना उनको मैं बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये जी फिर मैंने मियाँ के लिए इस तरह से इनको करके चूल्हे तीनों आने करके उसके ऊपर मैंने इनको सेक के, तो इनकी जो बाहर वाला पार्ट था वो मैंने उतार लिया था। लेकिन बाकी की मैं वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर सकी क्योंकि साथ साथ मैं बाकी घर के काम भी देख रही थी, और मैंने अम्मी, क्योंकि अम्मी की घर की तरफ निकला था, कुछ अपनी तैयारी भी कर रही थी। बस फिर जल्दी से जी मैंने तंदूर के साथ लगाई रोटियाँ, और फिर बस मियाँ को बच्चों को खाना वगैरह दिया, और ये था जी हमारा बैगन का भरता जो कि बहुत ही मज़े का बना था। खैर ये जी मियाँ को दिया, खुद खाया खाना वाना, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वाश किए। बस जी इसके बाद फिर मैंने अपनी जो तैयारी थी वो स्टार्ट की। लेकिन जी मेरा अम्मी की तरफ जो जाने का प्रोग्राम था ना वो सिर्फ मेरे मियाँ इससे आगाह थे, बाकी जी मैंने बच्चों को बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि दोनों जो छोटे वाले बच्चे थे ना उन्होंने करनी थी, फिर जेद के हमने भी चलना है, और उनकी 2 छुट्टियां भी थी। लेकिन क्योंकि बच्चे जो है ना उनका 1 ही दिन ऑफ होता है, क्योंकि बच्चों को भेजती हूँ ट्यूशन, तो इसलिए जी मैं उनको साथ नहीं लेके जाना चाह रही थी। तो खैर बर्तन बर्तन मैंने वाश किए, और उसके बाद जी जब तैयारी वारी करने के बाद ये ड्राई हो गए थे तो फिर जी मैंने इनको समेटा, इनको इनकी जगह पे पहुंचाया, और उसके बाद जी फिर मैंने निकलने वाली बात की। लेकिन जी निकलते बच्चों को पता चल ही गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर उनको ट्यूशन वगैरह भेजा, और उनको जी ट्यूशन वगैरह भेजने के बाद फिर मैंने जो है ना मैं निकली घर से असर की नमाज वगैरह पढ़ के। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह नगीबान।